नमस्कार, राम राम। आप सभी का पाल्मीसी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको राजनीति में सफलता मिलने वाली है। कहते ना राजनीति देश की तरक्की दिखाने वाला, देश में देश को आगे लेके जाने वाला और राजनेता राज को भोगने वाला। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो आपको अपने जीवन काल में राजनीति का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीने के स्तर के बारे में बताती है। इसी प्रकार से निम्न मंगल से चलकर उच्च मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, विचारों की रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार बुद्ध पर्वत के छेद से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि प्यार की रेखा भी कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सफलता का राज क्या है। कहते ना कि आपको राजनीति करना है और राजनीति के लिए चार पांच चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सबसे पहले हम हाथ की कलर को देखते हैं। कहते ना, एक राजयोग को दर्शाता है। ये आपका हाथ का जो कलर है ना, ये गुलाबी कलर का होना चाहिए। राज को ही संभव बताता है। आपकी सारी सुख सुविधाएं जीवन में उच्च को दर्शाता है। इसी प्रकार से सरकार के तंत्र के साथ जोड़ने वाला जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है। हस्तरेखा में सूर्य का जो पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत समान रूप से उठा होना चाहिए और सूर्य की फिंगर बड़ी होनी चाहिए। कहते ना कि सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता। एक तरह की सूर्य रोशनी है, देता है पूरी लाइफ। अगर सूर्य का ये पर्वत और सूर्य की फिंगर बड़ी है तो आपको जीवन में निरंतर सफलता की तरफ दर्शाता है। और ये सूर्य अगर आपका खराब है, आपको सरकार से, आपको पिता से, इन चीजों से लाभ नहीं मिल पाएगा, मान सम्मान नहीं दिलाएगा। और यही सूर्य अगर खराब है, सूर्य के पर्वत के ऊपर कहीं धब्बे बन जाता है तो सरकार से भी आपको बदनामी का डर होता है। ऐसे लोगों को संभावना प्रबल बन जाती है और पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन जाती है। जैसे कि कहते हैं ना कि हम सूर्य खराब होने से कई बीमारियां देता है, बीपी की बीमारियां देता है, बुखार की बीमारियां देता है, सरकार के तंत्र में जाने से रोक देता है और दाहिनी आंख की बीमारियां देता है। कई तरह की दिक्कतें आपको अपने लाइफ में अवश्य आएंगी। लेकिन अगर यही सूर्य है आपका अच्छा है और एक दिशा की तरफ लेके जाएगा। कहते हैं ना, सरकार के उपलब्धियों की जो एक जोड़ है उसका एक मिसाल कायम करता है और ऐसे लोग अपने जीवन काल में अवश्य कामयाब होते हैं। अब इसी सूर्य के पर्वत के ऊपर लंबी खड़ी रेखा, आज किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन अगर आप राजनीति से जुड़ते हैं आप उसका बेनिफिट अवश्य उठाएंगे। क्योंकि एक रेखा एक रोशनी होती है, लाइफ में आपको आगे बढ़ने की एक दिशा देती है। और ये रोशनी आपके लाइफ में एक नया बदलाव लेके आती है। आज आपका समय कैसा भी है, लेकिन आने वाला समय आपको अपने जीवन में बदल के रख देगी, आपको एक शिखर पे पहुंचा देगी। कहते ना, सूर्य जो है एक मान सम्मान, एक प्रतिष्ठा, एक राजनीति, इन सब कुछ लाइफ में देता है। और यहां सूर्य और बुध के पर्वत के बीच में एक फिज की साइन होना जरूरी है। यहां पर एक फिज की साइन होना जरूरी है। आप काम करेंगे, फेमस तभी होंगे। और ये बुध के जो फिंगर है ये बड़ी होनी चाहिए और बुध का पर्वत ये समान रूप से उठा होना चाहिए। क्योंकि राजनेता को बोलने का एक बहुत बड़ा
ज्ञान होता है, बोलने की एक्टिविटी होती है, माहिर होते हैं, हर बात को एक्सप्लेन करते हैं। किसी चीज को जब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। उसके लिए बुद्ध का पर्वत और बुद्ध की फिंगर मजबूत होनी चाहिए। इसी प्रकार से इस सन के माउंट के ऊपर, सन के माउंट के ऊपर आपको यहां पर भी एक फिश की साइन होना जरूरी है। ये फिश की साइन होना जरूरी है। फिश की साइन यहां पे आपको फेम दिलाती है, पैसा भी दिलाती है, और इसी के साथ आपके कहते ना स्टार बुलंद है, आपको रोशनी दिला देती है, और यहां पर एक वर्गाकार बन जाए। ऐसे लोग देश विदेश में विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, फेम मिल जाता है। और इसी के साथ गुरु के पर्वत ये समान रूप से उठाना चाहिए। इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं, गुरु का पर्वत समान रूप से उठाना चाहिए। और गुरु कहते ना कि ज्ञान देने वाला ग्रह होता है। जीवन में आपको एक मान सम्मान तभी मिलेगा अगर ये गुरु की फिंगर बड़ी है, और गुरु के पर्वत के ऊपर कोई बुरे चिन्ह नहीं है, आपको एक अथॉरिटी देगा और एक मान सम्मान मिलेगा। कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको लाइफ में मान सम्मान की ही जरूरत पड़ती है। और वो रेखा कौन सी है, और यहां पर इस हमारे हृदय रेखा से एक रेखा गुरु की पर्वत की तरफ जानी चाहिए। ऐसे आपको निरंतर सफलता की एक कुंजी मानी जाती है, आपको सफलता यहां बस दिलाएगी। इसी के साथ शनि और सूर्य के बीच में एक फिश की साइन की आकृति होनी चाहिए। ये फिश की साइन की आकृति बननी चाहिए। ये भी आपको राजनीति के क्षेत्र में ये होना जरूरी है। इसके बिना कई चीजें हैं हम जीवन में हम नहीं कर पाते हैं। और इस गुरु के पर्वत के ऊपर एक यहां पर त्रिकोण होना जरूरी है। अगर आपके हाथ में त्रिकोण बनता है आपको राजनीति में अवश्य लेके जाता है और राजनीति में सफलता भी दिलाता है। अगर ये त्रिकोण बड़ा है और आपके हाथ में प्रॉपर है, इस पे कोई बुरे साइन नहीं है, तो आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। और इसी के साथ ये आपकी एक फेट लाइन जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा प्रबल हो, क्योंकि आजकल बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। राजनीति भी कैसे करेंगे, पैसे भी जरूरी होता है। और इस राजनीति के स्तर पर पहुंचने के लिए ये सारे जो चीजें हैं ये संभव होना जरूरी है। कहते ना कि एक देन होती है, एक कला होती है। और ये हमारी जो फेट लाइन है जिसको हम भाग रेखा बोलते हैं, भाग रेखा के दाहिनी तरफ फिश साइन होना जरूरी है। अब यहां पे फिश साइन, कई फिश साइन बननी होनी चाहिए। फिश साइन का मतलब आपको लाइफ में पॉलिटिकल से लाभ, पॉलिटिकल के क्षेत्र में सफलता, इस चीज को दर्शाती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।